मैं ना मैं बड़ा होके आर्टिस्ट बनूंगा। आसमा, इजाम के खिलौने संभाल दिए? जी अम्मी। मामा भूख लग रही है। रफिया, इजाम को खाना दे दो। ओए ठीक से काम कर। अरे शरारती गलत बात। अरे बच्चा है, क्यों डांट रही हो? छोटा है। आज मना ना ना किया तो कल को आपसे भी बदतमीजी करेगा। शर्माती है, हंस रहे, सॉरी बोलो। अरे मत डांटो उसे, आप बीच में ना बोले। ये वही बुड्ढा है जो सबके बीच में बोलता है। बदतमीज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, मुआशरा इंसानों से बनता है, तो लिहाजा मुआशरा भी परफेक्ट नहीं होता। लेकिन क्योंकि इंसानियत हर मुआशरे का मरकजी अंसर है, लिहाजा इंसानियत की तरक्की लाजिम है। और इंसान तरक्की तभी करता है जब वो अपनी खामियों पर काम करे, और ये तभी मुमकिन है जब इन द फर्स्ट प्लेस पहले ये तो पता हो कि खामी एग्जिस्ट करती है, यानी जब किसी बुराई का पता होगा तभी उस पर काम हो सकता है। तो आज मिजाह के जरिए मेरा मकसद कुछ इसी के मुतरादिफ है। साले तुम्हें क्या जरूरत थी रुबीना आपी के सामने झूठ बोलने की कि राफे क्लास में फर्स्ट आया? हाँ तो ठीक है ना, वो भी तो हर वक्त अपने बच्चों की तारीफें करती रहती हैं। आ तो कभी ये सोचा इससे तुम्हारे अपने बच्चे की शख्सियत पे क्या असर पड़ेगा? एहसास की कमतरी ऐसी तो नहीं पैदा होती बच्चों में? नहीं बाबा, ये तो अच्छा है ना, फर्स्ट आए बगैर ही मजे। हाँ इसका मतलब ये नहीं है अगली बार फर्स्ट ना आए ना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपने कजन से सीखो कुछ नलायक। ये मेरे पर्स से पैसे कहाँ गए? मैंने तो ही निकाले। मैं भी कहूँ तुम्हारे बैग में पैसे कहाँ से आए? आपने मेरा बैग चेक किया था? तुमने निकाले पैसे? नहीं बाबा। अब झूठ भी बोलते हो? नहीं बाबा प्रॉमिस। शर्म तो नहीं आती ना झूठ बोलते हुए? आप भी तो बोलती हैं। तो अब तुम मुझे सिखाओगे? हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी एक मिनट, बाबा काशिफ अंकल का फोन है। अरे यार उन्हें कह दो मैं घर पे नहीं हूँ। अंकल बाबा कह रहे हैं वो घर पे नहीं है। अल्लाह हाफिज। ये क्या किया? आप दोनों ने कहा था झूठ नहीं बोलना। क्या बात है, आज तुम घर वालों के बीच नजर आ रहे हो। खैर है इंटरनेट कटा हुआ? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, बैठता हूँ सबके साथ। चले देर आए दुरुस्त आए। और सुनाओ कैसा चल रहा है कॉलेज? अच्छा चल रहा है अब्बू, बस एग्जाम्स आने वाले हैं। इंशाल्लाह अच्छे हो जाएंगे, बस सेहत अच्छी रखो। जाना है तो जाना। जी अब्बू। यार ये तो बड़े अच्छे लोग हैं। वैसे अच्छा हुआ कुछ देर नेट कट गया, इसी बहाने में सबके साथ बैठ गया। फजल तुमने इश्तियाक भाई को अपनी सीवी दे दी थी? नहीं अब्बू ऐसी उन्होंने कुछ नहीं करना। अरे मुझे ना ज्यादा बैठना चाहिए इन लोगों के साथ, अच्छे लोग हैं। उन्होंने लगा देना किसी छोटी सी पोस्ट पे, मैंने इससे थोड़ी की थी डिग्री। तुम्हें कुछ पता है? एक मिनट प्रैक्टिकल हो जाओ थोड़ा, इस उम्र में नौकरी कर रहा हूँ, कुछ हाथ बटाओ मेरा। सिर्फ खाते ही रहना है क्या? अरे भाई कर तो रहा हूँ कोशिश। हाँ कर रहे हो कोशिश, तुम सबको खिलाने का ठेका क्या मैंने उठा रखा है? हो जाएगी नौकरी, गुस्सा ना करे, ये सब तुम्हारी गलती है। अरे मैंने क्या किया? मैंने क्या किया, बिगाड़ दिया तुमने इसे। आराम पसंद हट हराम। हाँ आप तो बस जताते रहे बेगर। अरे बस कर दो बस। अरे बेटा कहाँ जा रहे हो? वो कमरे में पढ़ने। कुछ टाइम घर वालों के साथ भी गुजार लो, दिमाग के लिए अच्छा होता है। जी भाभी निमको ले और ले। भाई मैं तो आपकी बेटी के हाथ के कबाब की दीवानी हो गई। बहुत शौक से बनाए इसने आप लोग के लिए। बाबा कबाब वाला कह रहा था अब्बू को कहना पिछले 100 रुपए रहते हैं। अरे अरे अच्छा बेटा आप जाओ खेलो। तो बेटा खाने वगैरह सब बना लेती है? जी आंटी। झाड़ पोछ डस्टिंग कपड़े? जी। अरे वो मेरे मतलब घर तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा रखा हुआ है, ये तो सब मेरी बेटी का कमाल लग रहा है। अरे नहीं आंटी ये तो अम्मी का कमाल है, मैं तो पढ़ाई में बिजी रहती हूँ, मेडिकल की पढ़ाई बहुत टफ है ना। भाई एक तो मुझे ये नहीं समझ आता ये लड़कियों की डिग्री का क्या फायदा, एंड में तो सभी की शादी हो जानी है। सीट भी जाया। नहीं आंटी ऐसी बात नहीं। अरे चुप करो। आप सुनाए आपकी बेटी नहीं आई, उसे भी ले आते? उस भाई जान उसकी तो कल तबीयत इतनी खराब हो गई, और आपको तो पता है आजकल के डॉक्टर्स का, ऊपर से औरतों के मामले तो वैसे ही बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। हम लोग का तो यही है, खातिन की सेहत के मामले में खातून डॉक्टर ही मिले। लेकिन आपने तो कहा था लड़कियों की डिग्री का कोई फायदा नहीं। अरे कैसी बदतमीज लड़की है, और वैसे इसका तो कद भी छोटा है। चले रेहान। अरे रुके तो सही, जाने दे अब्बू, लगता है इन्हें भी किसी फीमेल डॉक्टर की जरूरत है। अब्बू नौकरियों का तो आजकल बहुत बुरा हाल है, मैं फ्रीलांसिंग पर मेहनत कर रहा हूँ, अपना बिजनेस बिल्ड करूंगा, चल पड़ेगा काम इंशाल्लाह। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, इसलिए पढ़ा लिखा है ना, कोई प्रॉपर नौकरी करो, क्या बताऊंगा लोगों को क्या करता है, ये फ्रीलांस क्या होता है। अब्बू दौर बदल गया है। बाप करे सिखा। फरहान देखो यार इसकी कोई जॉब कराओ। मामा रोटी पास कराना। हाँ रोटियां तोड़वा लो बस। अरे इससे सीख लो कुछ, ये भी तो तुम्हारा भाई है। बड़ा आपने एक्स्ट्रा बोटी ली। अबू क्या कर रहे हैं? अबू कुछ वक्त और दे दें। अभी से लिख के दे रहे हो, कुछ दिन का जोश है। जो लोग वालदैन की नहीं सुनते ना हमेशा ख्वार रहते हैं। तुम्हारा कुछ नहीं बनता, रिस्क ना लो, सेफ खेलो, पैशन में कुछ नहीं रखा, सेफ नौकरी पकड़ो, मीडियोकर लाइफ जियो, डर के रहा करो। तुम्हें तो पता है तुम्हारे फायदे के लिए कह रहा हूँ। जी अबू।
क्या बात है, बड़ा कमजोर लग रहा है। खैर है? नहीं यार ठीक हूँ। नहीं नहीं लग रहा है, क्या बात है, कोई परेशानी? नहीं यार अल्लाह का शुक्र है, फिट हूँ सब सेट। वो चेहरे पे क्या हो गया, क्या हुआ? ओए तुझे तो बहुत बुरे दाने निकल रहे हैं। हाँ ये गर्मी की वजह से, ये तो काफी ज्यादा है, लगते तो नहीं है औरों को तो नहीं लगते? अबे एक्नी है भाई, नॉर्मल है। तेरे तो बाल गिर रहे हैं, तू तो गंजा हो रहा है। मेरी बात सुन, मुझे नजर आता है, मुझे भी पता है, तेरे बताने की जरूरत नहीं है। अबे गुस्सा क्यों हो रहा है, मैं तो बता रहा था बस। क्या कि तू गंजा हो रहा है? तूने मुझे रिश्ता देना यार? नहीं ना, तो फिर आराम से बैठ। क्या सीन है जान के टोटे, क्यों डाउन डाउन लग रहा है? अबे कुछ नहीं भाई। नहीं नहीं लग रहा है डाउन, आज तो तू कोई मजाक भी नहीं कर रहा। अबे यार थक गया हूँ बस, हर वक्त अब्बा की डांट, ना जॉब है, उम्र ज्यादा हो रही है, लाइफ में पीछे रहता जा रहा हूँ, किसी चीज का मजा नहीं आता। अरे मेरी जान के टोटे, मैं भी कभी तेरी तरह था, देख कैसे खुश रहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह देखो मेरी जॉब भी लग गई, माशाल्लाह नई गाड़ी ले ली, और इतनी अच्छी तुम्हारी भाभी, और खुदा सदके दो प्यारे प्यारे बच्चे। मैंने सीखा है खुशी इंसान के अंदर होती है, बस पॉजिटिव रहना चाहिए। ये जो तू फील कर रहा है ना, ये मेरे साथ हो चुका है। वाह यार किधर था, तूने तो मेरा सारा डिप्रेशन ही दूर कर दिया। वाकई कैसे? अपनी सेल्फ ऑब्सेस्ड टॉक्सिक पॉजिटिविटी झाड़ कर, बड़ा लाइवली फील कर रहा हूँ। थैंक यू यार। अरे नो वरीज, मेरी तो बस कोशिश होती है मैक्सिमम पॉजिटिविटी फैलाऊं। अरे कहाँ जा रहा है जिगर, रुक, बंदूक लेने। ओके कैलाश, 1 2 3 ओपन अप योर कप। इजाब? यस टीचर। व्हाट आर यू डूइंग? सॉरी मिस। हाउ मेनी टाइम्स डज आई हैव टेल यू नो ड्राइंग्स इन लास्ट कॉपी पेज? निखम्मा नलायक ना खट्टू। सॉरी मिस। हैंडराइटिंग तुमसे अच्छी होती नहीं, बड़े आर्टिस्ट बनने ड्राइंग्स करेंगे। शामी और सेंस कॉपी। ऊंचा बोलो। घर भूल गया। गेस करो क्या बोलूंगी? खाना खाना बोलते हो, खुद को भी घर भूल आते। अबे लगता है टीचर आज शोर से मार खा के आई है। साइलेंस, आप लोग से बुरी क्लास मैंने आज तक नहीं देखी। अबे माँ बाप के पैसे जाया करने आ जाते हैं आप लोग, आपसे बेहतर तो दूसरा सेक्शन है। आप लोग का कुछ नहीं बनेगा, उस्ताद माँ बाप की जगह होते हैं, आपसे बेहतर तो दूसरा सेक्शन है। एवरीथिंग ऑल गुड? यस मैडम। गुड मॉर्निंग क्लास, गेट अप। गुड मॉर्निंग। Sit down, sit down. क्या बात है, आप डांट रही थी? All good. नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं डांटती, बल्कि मैं तो सबकी फेवरेट हूँ। क्यों इजाम? जी मिस। तो ये गाड़ी कितने की पड़ी? यार ये 40 की पड़ी है। महंगी ले ली है? नहीं यार ये तो फिर भी बेहतर मिल गई, आजकल कीमतें तो बहुत हाई हैं। इतनी भागती नहीं है वैसे, 2D ज्यादा बेहतर है। यार मैंने कौन सा भगाने के लिए लिया है, घर के इस्तेमाल के लिए लिया है। तुम्हारे वैसे सही वारे न्यारे हुए हैं रातों रात, हलाल वाला सीन नहीं लगता। क्या मतलब? मजाक कर रहा हूँ यार, तुम्हारा बिजनेस एग्जैक्टली क्या है वैसे? टूरिज्म कंपनी है। ये तो ड्राइवरों वाला काम है, ड्राइवर तो नहीं बन गए? समझा नहीं मैं। मजाक कर रहा हूँ यार, वैसे क्या निजाम है देखो, एक गांव में डिग्री करके बैठे हैं, मुश्किल से 40,000 की जॉब लगी है, और एक तुम डिग्री के बगैर ही छाप रहे हो। अच्छा मजाक कर रहे हो यार। और कुछ? बस ये कि तुम्हारी कामयाबी से बहुत जलन हो रही है, ये भी मजाक कर रहा हूँ। कितनी फिट चीज है ना मजाक, मजाक के नाम पे सारी जेलसी निकाल दो। हाँ ना अम्मी। हाँ बेटा। अम्मी मुझे ना थोड़ा सा ऐसे डाउन डाउन सा फील होता है। क्या मतलब डाउन डाउन? अम्मी मतलब ऐसे ना थोड़ा भारी भारी। हाँ तो कम खाया करो ना। नहीं नहीं मतलब ऐसे बर्नआउट नहीं होता। बर्नआउट? वो जो गाड़ी की स्किडे होती हैं। अरे नहीं भाई। तो फिर? अम्मी वो ना ऐसे कुछ करने का दिल नहीं चाहता, लेजी हो, और कुछ ऐसे ना फील नहीं होता, ना खुशी ना गुस्सा ना सैड, बिल्कुल जीरो इंटरेस्ट। डिप्रेशन? भाई मेंटल हो गया, लोग क्या कहेंगे? तुम्हें आवाजें तो नहीं आती? बेटा पानी ला दूं? ना शुक्री ना करो भाई, अमीरों के मसले हैं। बेटा कुछ ऐसा वैसा ना करना, किसी और से ना कह देना। अरे यार आप लोग अजीब, रहने दें मैं खुद ही हैंडल कर लेता हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक ऐसा ब्रॉड है कि इस पर मल्टीपल पार्ट्स बनाए जा सकते हैं। आज मैंने जानबूझकर अपनी वीडियो में कोई तरतीब नहीं रखी। जहाँ बचपन में परवेश की खामी पर बात हुई, वहीं मुआशरे में हसद का भी मुलायजा किया। जहाँ ज़हनी सेहत का हवाला हुआ, वहीं करियर की भी बात हुई। लेकिन सब स्किट्स में मेरा एक ही मकसद था, और वो ये कि हमें अपनी खामियों पर काम करना है, हमें एज अ सोसाइटी इवॉल्व करना है, हमें अपने अखलाक पर काम करना है, एंड अबव ऑल हमें अपने माजी और अपनी खामियों से आगे बढ़कर ज़हनी तौर पर मजबूत होना है। कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन अपनी कोताहियों को बाकी रखना भी ठीक नहीं है। हम में से किसी को परफेक्ट कंडीशंस नहीं मिली, किसी के मुआशी हालात बुरे थे तो कोई अभी मुआशी मसाइल का शिकार है, किसी का तारीख माजी उसका पीछा नहीं छोड़ता तो किसी का हाल नासाज है, किसी के वालदैन से ताल्लुकात खराब हैं तो किसी के वालदैन ही नहीं है। लेकिन इन सब हालात के बावजूद खुद में बेहतरी लाना ही असल कमाल है। हमारी कौम में अक्सरियत नौजवानों की है, मुझे सुनने वाले भी अक्सर नौजवान ही हैं। मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि जिंदगी चाहे कितनी ही मुश्किल हो, इन मुश्किलात से लड़ने की ताकत भी आपके अंदर मौजूद है। बस अपने अंदर शऊर पैदा करें, खुद पर काम करें, हर नए पल और हर नए दिन अपने आप में मुस्बत तब्दीली लाएं। इसी का नाम जिंदगी है। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई। इफ यू लाइक दिस एनिमेटेड शो कंसीडर सपोर्टिंग इट ऑन पेट्रियन विद एज लो एज $1, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलता हूँ अगली वीडियो में, आज के लिए शहरम को इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।